नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही स्वादिष्ट चना दाल की रेसिपी लेकर आए हैं, जो कि घर के हर सदस्य को बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने ली थी 1 कप भर कर चना दाल, उसे अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसको मैंने 2 घंटे भिगो दिया था। अब इसके पानी को निकाल दिया, ये बहुत अच्छे से फूल गई है। अब लेंगे कुकर, गैस ऑन कर लेंगे और हम सारी चना दाल इसमें डाल देंगे। अभी गैस को मैंने बिल्कुल स्लो करा हुआ है। 1 प्याज ली थी, उसको मैंने छोटा छोटा काट लिया था, वो डाल रही हूँ। 5 मैंने लहसुन की कलियाँ ली थी, उनको कूट लिया था। कूटने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा भी लिया था, उसको भी कूट लिया है। आप चाहे तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं अदरक को। और 1 टमाटर लिया था, ये बड़े साइज का टमाटर था, मैंने 1 लिया है, उसको भी छोटा छोटा काट लिया है। और 3 डाल रही हूँ मैं इसमें हरी मिर्ची। देखिए, मिर्ची कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और इन 3 मिर्चियों में मैंने चीरा लगा लिया है। अब डाल देंगे नमक, आप स्वाद अनुसार डालें। अभी मैं 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक का यूज़ हम बाद में भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। अब मैंने 1 कप चना दाल ली थी, तो मैं इसमें 2 कप भर कर ना पानी डाल रही हूँ। इसके साथ मैं 1 चम्मच के करीब इसमें कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ, इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और उबलते समय दाल बाहर नहीं निकलती, कुकर गंदा नहीं होता। अच्छे से मिक्स कर दें। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे, मीडियम गैस पर 2 विसल लगाएंगे, कम गैस पर 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। कुकर को बिल्कुल ठंडा करके खोलेंगे। कुकर हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं दाल को। देखिए, दाल देखने से ही लग रहा है बहुत अच्छे से गल चुकी है। अभी हम साइड रख देंगे। अब हमने एक कढ़ाई ली है, गैस ऑन कर देंगे। मैं इसमें 2 बड़े चम्मच के करीब डाल रही हूँ देसी घी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। गर्म होने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चुटकी हींग, जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ काली वाली सरसों। 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें सौंफ डाल रही हूँ। सौंफ जरूर डालें, चने की दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा। पहले थोड़ा सा चला देंगे। अब मैं इसमें 2 सूखी लाल मिर्ची डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, ये कम तीखी वाली लाल मिर्ची है, मैंने उसका यूज़ किया है, इससे कलर भी अच्छा आता है। अब इसमें हम दाल को भी डाल देते हैं। देखिए, दाल थोड़ी मुझे गाढ़ी लग रही है, तो मैं क्या करूंगी, 1/2 कप के करीब ना गर्म पानी डालूंगी, ठंडा बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि इसको हम थोड़ा चावलों के साथ भी यूज कर सकते हैं खाने में। 1/2 कप पानी डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब ना गर्म मसाला। और इसमें खट्टापन थोड़ा सा लाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर। आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। पहले अच्छे से मिक्स कर दें इन दोनों चीज़ों को। देखिए, 2 से 3 मिनट तक हमने इसे ना खुले में ही पकाया, ढका नहीं है। आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से जो हमारी दाल है पक चुकी है। हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसे आप चपाती के साथ खा सकते हैं, परौंठे के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खाते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कैसी लगी। धन्यवाद।